Meaning of compensating sales force. Unit 2 का टॉपिक है आपका, मीनिंग ऑफ कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स. कंपनसेट करना मीन्स क्या होता है? सेल्स फोर्स मीन्स सेल्स फोर्स को कैसे कॉम्पनसेट करते हैं. कॉम्पनसेट करना मतलब उनको हम कैसे पे बैक कर रहे हैं जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए काम कर रहे हैं. कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स मीन्स गिविंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स इन रिटर्न फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द सेल्स फोर्स. मतलब सेल्स फोर्स जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो हम जब उनको पे करते हैं, जब हम उनको पे बैक करते हैं, जब वो हमारे लिए काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग सेल्स फोर्स. वो हम मॉनिटरी टर्म्स में देते हैं. ऑब्वियसली मॉनिटरी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब उनको सैलरी मिलती है. देखो ये एक इमेज में कितने सारे मनी काउंट कर रहा है, मीन्स मॉनिटरी बेनिफिट्स. ठीक है, वो तो सैलरी प्लस आज की डेट में हम नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देते हैं उनको इन रिटर्न फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द सेल्स फोर्स. इसमें देखो द बेसिक सेल्स फोर्स कंपनसेटिंग एलिमेंट्स आर सैलरी तो सबसे बेसिक. फिर उसके अलावा उनको क्या मिलता है अगर टारगेट्स अचीव करते हैं तो? कमीशन, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट्स में इंश्योरेंस वगैरह आता है और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, या फिर इन सबका हम उसमें कॉम्बिनेशन भी बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. अब नेक्स्ट देखो, कंपोनेंट्स. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वो कंपनसेशन प्लान करता है? तो देखो इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट है, वेरिएबल कंपोनेंट है. फिक्स मींस जो चेंज नहीं होगा. जैसे सपोज आपका सैलरी है, अगर आपको पर मंथ 40,000 सैलरी पे रखा गया है तो आपका वो फिक्स्ड कंपोनेंट है जो चेंज नहीं होगा. वेरिएबल मींस वेरी करते जाना. कैसे वेरी करेगा? अकॉर्डिंग टू आपका जो जॉब परफॉर्मेंस है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अपने जॉब में, आप कितने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं. तो टारगेट्स अचीव, आप कितने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, वो आता है वेरिएबल कंपोनेंट में. फिक्स्ड में क्या होता है? ये एक स्टेबल इनकम देता है सेल्स फोर्स को, स्टेबल इनकम. और ये क्या देता है? मोटिवेट. इंसान जितना मोटिवेटेड होगा उतना टारगेट्स अचीव करेगा. तो ये कौन सा रोल प्ले करता है? मोटिवेशनल रोल. देखो इट प्रोवाइड्स स्टेबल इनकम. ठीक है, ये एक स्टेबल इनकम है, ये कोई नहीं वो कर सकता आपसे. ये किसके फॉर्म में होती है? सैलरी. ये देखो मोटिवेशनल रोल है. ये इसको किससे लिंक किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया टारगेट्स अचीव मतलब आपकी परफॉर्मेंस. तो किससे लिंक है? आपकी जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स फोर्स. हम जो भी अब पढ़ेंगे कंपनसेटिंग, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, अब हम कंपनसेशन मेथड पढ़ेंगे और वो किसके रिगार्डिंग? सेल्स फोर्स. ठीक, जो ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्स करके देता है, उस डिपार्टमेंट के हम मेथड्स पढ़ेंगे कि हम उनको कैसे कॉम्पनसेट करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स. अ साउंड सेल्स कंपनसेशन प्लान मस्ट हैव थ्री एलिमेंट्स. ठीक, कौन कौन सा? एक तो अट्रैक्ट स्किल्ड एंड वेल मोटिवेटेड सेल्स पर्सन. ऑब्वियसली आप जितने अट्रैक्ट होगी, आपकी पर्सनैलिटी, इट मीन्स हम यहाँ पे पर्सनैलिटी की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी जितनी अट्रैक्टिव होगी, इट मीन्स आप कितने स्किल्ड हैं और आप कितने वेल मोटिवेटेड हैं अपने काम के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट देखो टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, देखो लिखा है मोटिवेट सेल्स पर्सन. और आप दूसरों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट रिटेन एफिशिएंट सेल्स पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ऐसे ही सेल्स पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहते हैं. ठीक, ये जो साउंड सेल्स कंपनसेशन में थ्री एलिमेंट्स होते हैं, ये इसके तीन पार्ट्स हैं. ये किसके द्वारा दिया गया था? अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर. फिलिप कोटलर कौन है? आपके मैनेजमेंट गुरु. ठीक, तो ये थी आपकी डेफिनेशन. नेक्स्ट देखो इसमें मैथड्स. अब हम पढ़ रहे हैं मैथड्स में आएंगे अपन, मैथड्स ऑफ कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स. हम सेल्स फोर्स को मैथड्स मीन्स तरीके, एक ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके
ले सकती है, या एक ऑर्गेनाइजेशन कौन से मेथड्स को फॉलो करती है अपने उनको पेमेंट करने के लिए. मतलब पेमेंट मींस हियर कंपनसेटिंग, कैसे कंपनसेट करती है, उसके मेथड्स होते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग मेथड्स होते हैं, अलग रहेगा सबका वे ऑफ वर्क करने का. किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अलग होंगी, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और वर्क टू वर्क. तो सबसे पहला अगर मेथड हम सेल्सफोर्स कंपनसेटिंग का देखेंगे तो है स्ट्रेट सैलरी मेथड. स्ट्रेट मींस सिंपल, कट टू कट सैलरी देना. सिंपल कॉम्पनसेशन प्लान होता है जिसमें जो सेल्समैन क्या रिसीव करते हैं, फिक्स सैलरी एक पर्टिकुलर डेट पे. और आजकल तो ऑलमोस्ट डेट सबको पता है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. ठीक, जनरली सैलरी इज पेड टू सेल्स फोर अकॉर्डिंग टू द सैलरी ग्रेड, यस, अप्रूव्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. जब आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है जॉब के लिए तो उसी समय कि आपका जो सैलरी का जो ग्रेड है वो उस समय वो डिसाइड कर दिया जाता है. नेक्स्ट देखो, अंडर दिस ग्रेड जनरली सेल्स फोर्स कंटिन्यू टू गेट एनुअल इंक्रीमेंट्स भी मिलता है उनको, एंड आर पेड अदर अलाउंस लाइक डियर अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, मील्स अलाउंस, ट्रैवलिंग, मेडिकल. तो ये सब आपके सैलरी का पार्ट होते हैं, ठीक है. ये क्या होता है, पार्ट ऑफ सैलरी. नेक्स्ट देखो, इसमें मैरिट्स देखेंगे. इसके इस मेथड के मैरिट्स क्या है, प्रोवाइड्स मैक्सिमम सिक्योरिटी, प्रोवाइड मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक, क्योंकि एक स्टेबिलिटी है अर्निंग की, एक सेल्समैन के लिए एक स्टेबल इनकम बन रही है, तो प्रोवाइड्स मैक्सिमम सिक्योरिटी. नेक्स्ट देखो, इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि हम खुद डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक, और लेस कैलकुलेशन होते हैं. नेक्स्ट देखो, सेल्समैन एंड मैनेजमेंट नो अबाउट द अमाउंट ऑफ सैलरी इन एडवांस. ऑब्वियस है, अपॉइंटमेंट की टाइम है तो आपको एट द एडवांस आपको पता होता है कि आपका सैलरी क्या है और फ्यूचर में आपको कितना इसमें ग्रोथ है, सब कुछ ये प्री प्लान प्री डिसाइडेड होता है, ठीक. नेक्स्ट देखो, डीमेरिट्स क्या, दिस मेथड प्रोवाइड्स नो इंसेंटिव्स. हाँ, इंसेंटिव्स मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं मिलता है कुछ अगर आपको स्ट्रेट सैलरी पे. तो इसलिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में है जो सेल्स पर्सन होते हैं थोड़ा सा मोटिवेशनल की कमी आ जाती है क्योंकि उनको पता है कि हम दिन भर तो यहीं रहना है, 8 घंटे की जॉब है. अगर हम इनको एक दिन में 1 लाख का भी सेल करके देते हैं तो भी हमको 15,000 ही मिलने वाला है, और अगर हम उनको 2 लाख का करके देंगे तो भी 15,000. तो इसलिए कहते हैं सैलरी तो अपनी बन रही है, इसलिए इसमें लाख कमी आ जाती है उनके इफेक्ट्स में. नेक्स्ट देखो, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट सेल्समैन एज बोथ गेट फिक्स सैलरी. दोनों को सेम सैलरी मिल रही है तो कैसे पता चलेगा कौन टारगेट ज्यादा अचीव करता है या नहीं. इन दिस कॉम्पनसेशन मैन कॉम्पनसेशन प्लान क्लोज सुपरविजन ऑफ सेल्स फोर्सेज रिक्वायर्ड. ऑब्वियस है, कंटिन्यू उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि 8 आवर्स का सपोज अगर जॉब है, सैलरी उतनी ही मिलने वाली है, इतने टारगेट में करूँ चाहे इतने टारगेट में करूँ, तो लोग क्या बोलते हैं, लैक ऑफ वर्क, ठीक है, सुस्त हो जाना, लैक ऑफ टायर्डनेस हो जाती है लोगों में. तो इसलिए क्लोज सुपरविजन इसमें रिक्वायर्ड होता है. सेकेंड मैथड है इसमें अपना कमीशन मैथड. इन दिस रेम्यूनरेशन प्लान सेल्स फोर्स इज रिक्वायर्ड, सॉरी, सेल्स फोर्स इज पेड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. कमीशन पे मिलता है, ठीक, जितना वर्क करोगे उतना आपका कमीशन बनता जाएगा. तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन फिक्स भी डिसाइड करती है कमीशन फ्लोटिंग. सपोज अगर आपने 10,000 तक का टारगेट अचीव किया, सॉरी 1 लाख तक का, तो आपको 5% मिलेगा, ठीक. लेकिन जैसे ही आप आगे मूव कर रहे हैं 1 लाख सपोज 20,000 पे, ठीक, तो आफ्टर दैट एवरी 10,000 पे, ये एक एग्जाम्पल है ना, आपको हर 10,000 पे 2-2% कमीशन और मिलेगा. तो सोचो वो हो गया फ्लोटिंग, जो चेंज होते जा रहा है वो हो जाएगा फ्लोटिंग हो जाएगा. इट मीन्स 1 लाख तक 5 मिला और उसके बाद 1,20,000 किसने कर लिया, तो 10,000 और एक और 10,000, तो कितना हुआ उस पर 2% एक्स्ट्रा ही मिलेगा. तो इट मीन्स सेल्स फोर्स को पेड किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के लिए. कभी फिक्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ कमीशन होते हैं. जो आगे देखो, कमीशन कैन बी पेड ऑन द सेल्स वॉल्यूम के बेस क्या होगा. जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि सेल्स का टारगेट रखा था 1 लाख. कभी कभी टारगेट सेल्स वैल्यू पे भी हो सकता है, प्रॉफिट पे भी मिल सकता है, कलेक्शन कितना किया, ऑर्डर की साइज पे. तो ये वेरी करता है
ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उनके काम करने के तरीके। इफ सेल्स लेवल अचीव्ड बाय अ सेल्समैन इज हाई देन ही विल पेड मोर कमीशन, या कई कई क्या होते हैं, अगर वो लो अचीव है तो देन ही विल बी पेड फिक्स्ड या फिर लो। ठीक, नेक्स्ट देखो इसमें, देखो अब दिया है आपको कमीशन के मेथड्स क्या क्या हैं। तो जैसे कमीशन एट फिक्स्ड रेट मैंने आपको बताया, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रेट कमीशन मेथड। कमीशन का परसेंटेज इसमें फिक्स रहता है, सबके लिए सेल्स इक्वल ही रहता है, मतलब टारगेट। फिर प्रोग्रेसिव रेट, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, अगर आपका टारगेट था 1 लाख और आपने 1,20,000 पे पहुंच गए, तो आपको मैंने बताया कि हर 10,000 पे कितना दे रहे हैं, 10%। तो ये प्रोग्रेसिव रेट्स। इन दिस मेथड रेट ऑफ कमीशन वेरी करता है लेवल ऑफ सेल्स के साथ। जो कमीशन का रेट होता है वो इंक्रीज होते जाता है सेल्स के लेवल के साथ, और कम होगा विद डिक्रीज विद सेल्स। सपोज एक एग्जाम्पल दिया है, एक सेल्समैन को 6% कमीशन दिया जाता है 60,000 तक, और 7% कब दिया जाता है, जब वो 60,000 से 1,20,000 पे चले गया, और 8% उसको कब मिलेगा, जब वो 1,20,000 से भी ऊपर चल गया। तो ये वेरी कर रहा है, प्रोग्रेसिव बढ़ता हुआ ना। तो फिर डिफरेंशियल होता है, अंडर सच प्लान्स डिफरेंट रेट्स ऑफ कमीशन आर रेट फिक्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे इसमें क्या था, टोटल सेल्स पे दे रहा था इस मैथड पे। अब क्या हो रहा है, सपोज PNG की कंपनी है, उसके पास एरियल के प्रोडक्ट्स हैं, टाइट के प्रोडक्ट्स हैं, विक्स भी रख रही है, तो इस पे मार्जिन अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है। तो डिफरेंशियल कमीशन प्लान, डिफरेंट रेट्स ऑफ कमीशन आर फिक्स्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। ठीक, नेक्स्ट देखो, मैरिट्स और इसके डीमैरिट्स देखेंगे। कॉम्पनसेशन इज लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसमें कॉम्पनसेट मतलब जो अपन इसमें हम कॉम्पनसेट कैसे कर रहे हैं इस मेथड में, सैलरी के बेस पे। तो सॉरी, हम इस पे कॉम्पनसेट कर रहे हैं कमीशन के बेस पे। तो इसके फीचर्स, कमीशन किस पे लिंक्ड है, इनकी प्रोडक्टिविटी, जो जितना ज्यादा काम करेगा, प्रोडक्टिविटी मींस काम, जितना ज्यादा सेल्स लाके देगा, या फिर जो जितने ज्यादा टारगेट्स इसके क्या कर रहा है, अचीव कर रहेगा, है ना, ये उस पर डिपेंड है। लेस सुपरविजन चाहिए, क्योंकि जो जितना टारगेट पूरा करेगा वही उतना सुपरवाइज ऐसे ही हो जाता है। एफिशिएंट सेल्समैन की नीड होती है। देखो डीमेरिट्स, कोई सिक्योर्ड इनकम नहीं है। जैसे लास्ट वाले मेथड में एक स्टेबल इनकम थी, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस मैंने आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए, आप सेल्स नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। और फ्रॉम द वेरियस बेसिस ऑफ इसमें क्या रहता है, दुनिया भर के रहते हैं, कभी सेल्स पे मिलेगा, कभी वैल्यू पे मिलेगा, कभी प्रॉफिट्स पे। तो ये डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन भी इसका क्या है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट देखो, सैलरी प्लस कमीशन मेथड, थर्ड मेथड। जो बहुत सारी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, अभी ये ट्रेंड पे ये मेथड चलता है, ट्रेंडिंग है ये। सैलरी तो देगा ही देगा प्लस कमीशन। आप देखो 8 आवर की जॉब कर तो रहे हो, आपको एक स्टेबिलिटी भी मिल रही है, प्लस अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया तो आपको कमीशन भी दिया जाएगा। तो इसमें दोनों का मिक्सचर है। ये मेथड को क्यों डिजाइन किया था, कि एडवांटेजेस मिले लोगों को, और जो प्रीवियस मेथड्स हैं उनके डिसएडवांटेजेस को रिमूव कर सके। देखो, रिमूव द डिसएडवांटेजेस, सैलरी प्लस कमीशन ऑन टोटल सेल्स। ठीक है, किस पे देता था, टोटल सेल्स पे ही इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, ए मिनिमम कोटा को फिक्स किया जाता है, अगर आप उतना करेंगे तो उसके लिए कोई कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप उसके अबव जाएंगे तो आपको कमीशन दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, आप बोनस, नेक्स्ट मेथड। ठीक,
अभी तक हमने तीन मेथड्स पढ़े, नेक्स्ट है अपना बोनस। बोनस क्या होता है, ये एक तरीका है ना। पहले वाला क्या था, सिर्फ सैलरी, फिर क्या था कमीशन, तीसरा क्या था दोनों, तो चौथा बोनस एडिशनल। ये एडिशनल है, सिर्फ बोनस नहीं दिया जाता, ये सैलरी या कमीशन के साथ अलग से दिया जाता है, एडिशनल फिनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाता है। जब आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो या परफॉर्म किया हो तो, ठीक, टू द सेल्स फोर्स फॉर अचीविंग रिजल्ट्स बियॉन्ड अ प्री डिटरमाइंड लेवल। सपोज ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट इस बार 1 करोड़ था, आपने 1 करोड़ तो किया, प्लस साथ में आपने 40 लाख और क्रॉस कर दी, इट मीन्स आपने नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर का 40% ऑलरेडी अचीव्ड कर दिया है। इट मीन्स आपने कंपनी के टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स को क्या कर दिया है, रेज कर दिया है। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक। तो इसके लिए ऐसे आपको बोनस दिया जाता है, एडिशन दिया जाता है नॉर्मल रेम्यूनरेशन के अलावा। तो नॉर्मल रेम्यूनरेशन क्या था, सैलरी और कमीशन, तो उसके अलावा और क्या मिला, बोनस। बोनस इज नेवर यूज अलोन, ये कंटिन्यूइंग नहीं होता है, जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तभी मिलेगा, या फिर अगर आपने नए कस्टमर्स लेके आए या आपने सेलिंग एक्सपेंसेस कम किए, आपने कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचा, तो इसलिए ये रहता है। नेक्स्ट देखो, मेरिट्स बोनस के, ये मोटिवेट करता है सेल्स फोर्स को कि एक्स्ट्रा काम करें। ये देखो कोई रेगुलर नहीं है या कोई कंटिन्यूइंग बर्डन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन पे, बल्कि सोचो अगर आप प्रीवियस एग्जांपल हो तो आपने 1 करोड़ 40 लाख, इट मींस आपने प्रीवियस बर्डन तो हटा दिया ऑर्गेनाइजेशन का, प्लस नेक्स्ट टारगेट का भी आपने 40% अचीव किया। ये एग्जाम्पल था, है ना, तो ये कोई कंटिन्यू बर्डन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बोनस में डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, बोनस टीम को दे सकते हैं, लेकिन हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना कि कौन एफिशिएंट था कौन इनएफिशिएंट, तो जो इनएफिशिएंट होगा उसको भी मिल जाएगा। कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हर कोई सेल्समैन इसको नहीं समझ सकता, तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। सो ऑब्वियस किसी चीज़ के प्लस पॉइंट होते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, कार फैसिलिटीज, मैटरनिटी लीव्स, पेंशन लीव्स, तो ये क्या होता है, आपको तो एक फिक्स इनकम सैलरी कमीशन बोनस मिल रहा है, बट प्लस आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कुछ आपको पर्क्स दिए जाते हैं। पर्कोसाइट्स बोलते हैं टैक्स की लैंग्वेज में, पर्क्स बोलते हैं, ठीक। तो ये बेनिफिट्स। नेक्स्ट देखो, टाइप क्या होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के, देखो स्टेट्यूटरी पेमेंट्स, ये कंपलसरी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे आप प्राइवेट में काम कर रहे हो या फिर आप पब्लिक में काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए रहता है, सॉरी गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंपलसरी बनाया जाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन प्लान्स। कुछ कुछ किससे रिलेटेड रहते हैं, स्टडी लीव से, मैटरनिटी लीव्स, अदर लीव्स। हमको जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अपन करते हैं 1 मंथ का, जैसे अपन एक काम करते हैं मंथली बेसिस पे सैलरी मिलता है, तो हमको 2 डेज लीव अलाउड रहता है, 1 डे लीव अलाउड रहता है, ये स्टडी लीव भी मिलता है। दूसरे बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्लब मेंबरशिप मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं वेरियस ओकेशंस पे, कहीं कहीं पे टारगेट्स पे मोबाइल फोन्स भी मिलते हैं, लैपटॉप्स भी। ये वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन वर्क। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे भी डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट देखो, लेबर वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, इसी में ही ग्रुप इंश्योरेंस किया जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस फैसिलिटीज दी जाती हैं, फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया रहता है। तो ये सारी फैसिलिटीज इसलिए दी जाती हैं कि आपका जो वर्क प्रेशर है वो कम हो सके, आपको अच्छा एनवायरमेंट मिल सके, आपको फैसिलिटीज दी जाती है ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट देखो, इसमें फिर नेक्स्ट मेथड देखिए, एडिशनल टास्क मेथड। समटाइम्स हमको कुछ एडिशनल टास्क दिया जाता है, एक्स्ट्रा टास्क, तो उसके लिए अलग से फिर हमको एडिशनल क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन टू द सेल्स पर्सन, ठीक। इससे क्या होता है, कंपनी को समझ में आता है अगर हम अंडर प्रेशर किसी को कुछ एक्स्ट्रा वर्क दें तो वो उसमें कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड हाउ ही बिहेव अंडर द प्रेशर। नेक्स्ट देखो, तो एडिशनल टास्क मेथड है ये,
एट द एंड समरी देखो अब ये मैथड्स थे. वी कैन कंक्लूड दैट कि कोई देखो सिंगल मैथड सुटेबल नहीं होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैथड वेरी करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. ये कॉमन बिलीव है कि सैलरी प्लस बेस्ट होता है. ये अभी तो मैंने बताया था कि ट्रेंड पे यही चल रहा है, इज बेस्ट ऑफ ऑल अदर मैथड्स. ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट इसमें आपको एक स्टेबिलिटी इनकम भी मिलती है, प्लस आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप जितने एफिशिएंट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन देके आपको रेम्यूनरेट किया सकता है. इट हैज़ बेनिफिट्स ऑफ बोथ सैलरी एंड कमीशन मैथड. ठीक, तो ये थे अपने मैथड्स ऑफ कंपनसेटिंग सेल्स मैथड.